हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय। सतीश जी, एक बार फिर से आपको पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो किस तरीके से देख रहे हैं, पहला रिएक्शन क्या? देखिए, पार्टी एक तो जिम्मेदारी देती है और हम लोगों का काम है उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना और संगठन का जो विस्तार है उस विस्तार को करना और पूरी तरह से सबका साथ सबका विकास जो मूल मंत्र देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको मिलकर के हम काम करते हैं। और मध्य प्रदेश तो वैसे भी पूरी तरह से भाजपा में है, मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं, मध्य प्रदेश के पूरे पूरे मन में भारतीय जनता पार्टी समाई हुई है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, कमलनाथ का जो किला था वो ढह चुका है, तो अब क्या ऐसी चीजें हैं जो मध्य प्रदेश में आगे होनी है? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव जी के नेतृत्व में बहुत शानदार काम कर रही है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 90 दिन के अंदर जो 557 के आसपास वायदे किए थे सरकार ने, मध्य प्रदेश में 90 दिन के अंदर लगभग 134 के आसपास अपने वायदों को पूरा किया है। तो 134 की गति आप देखें तो प्रतिदिन के हिसाब से एक से डेढ़ वायदा जो संकल्प मध्य प्रदेश की सरकार ने वहां की जनता से किए थे और वो संकल्प उन्होंने पूरा करने का कार्य किया है। और वो सारे ऐसे संकल्प हैं जिसमें वहां के जो आम व्यक्ति है, वहां के जो आम मतदाता है, वहां के जो आम नागरिक हैं, वहां के जो युवा हैं, वहां की जो महिलाएं हैं, मेडिकल में जो फैसिलिटीज को बढ़ाना है, पहली बार मध्य प्रदेश में एयर एम्बुलेंस शुरू की गई है जिस एयर एम्बुलेंस में अब आम आदमी अगर कोई भी सुदूर कहीं कोई बीमार हो जाता है तो मध्य प्रदेश में यह व्यवस्था है कि निःशुल्क उसको अब बड़े अस्पतालों में ले जाया जा सकता है। ये इस तरह की चीजें हैं जिसमें और निश्चित रूप से एक देवभूमि की तरह से मध्य प्रदेश है, महाकाल में जिस प्रकार से महाकाल का अब सेकेंड फेज भी स्टार्ट होगा, माँ नर्मदा की भूमि है, तो सनातन को लेकर और लोगों की सुविधाओं को लेकर के मध्य प्रदेश तेजी से प्रगति करेगा। मध्य प्रदेश में जो किसानों के लिए जो काम इस सरकार ने किए हैं, सिंचाई का जो रकबा बढ़ाया है, तो मैं कह सकता हूं कि सर्वांगीण विकास इस डबल इंजन की सरकार का होने के नाते केंद्र की जो योजनाएं हैं, कल ही मध्य प्रदेश में अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे देश के वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी जा रहे हैं और लाखों पेड़ एक दिन में, एक पेड़ माँ के नाम, एक जो प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, तो कल मध्य प्रदेश में लाखों पेड़ एक ही साथ लगाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से वहां पर सभी वर्गों को साथ लेकर संगठन में सबका साथ सबका विकास लेकर के काम करेंगे। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास लेकर काम वहां पर मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है और डबल इंजन की भी सरकार है। छिंदवाड़ा जीत चुके हैं, अमरवाड़ा में उपचुनाव होना है, तो कितनी बड़ी चुनौती एक आप लोग देख रहे हैं वहां पे? देखिए, चुनौती तो छिंदवाड़ा भी बहुत बड़ी थी और सब लोग कहते थे कि एक अजय जगह थी जिसमें पिछली बार भी मैं मध्य प्रदेश में था और हम 29 में से 28 सीट जीते थे और इस बार छिंदवाड़ा को हम बड़े मार्जिन से जीते हैं, कई छोटे मार्जिन से नहीं जीते, इसलिए जो अमरवाड़ा का चुनाव है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हैं एक अच्छे मार्जिन के साथ मध्य प्रदेश में इस उपचुनाव को भी जीतेंगे। बस एक आखिरी सवाल है कि आपके पास दो दो जिम्मेदारियां हैं, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन भी हैं, सह प्रभारी भी हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं, कितना मतलब मुश्किल होती है कि कभी मध्य प्रदेश कभी दिल्ली, किस तरीके से? नहीं, देखिए, संगठन का कार्य है तो हम कोई नया थोड़ी है, तो उससे पहले अन्य राज्यों के कार्य भी हमारे पास रहे हैं और मूल दिल्ली है तो दिल्ली में तो काम करना ही है और इसलिए अभी पिछले जब चुनाव का समय था तो जितना समय वहां देना है और इस बार चुनाव में भी मेरे पास, शायद आपको पता नहीं होगा, मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली का एक क्लस्टर भी था और जिसमें 3 लोकसभाएं मेरे पास थी, तो व्यक्ति जितना काम करे उतना कम है और हमने मेहनत से यहां पर भी काम किया, मध्य प्रदेश में भी काम किया। संगठन में जितना काम आप करते हो उतना ही नया एक विद्यार्थी की तरह से आप सीखते हो, तो मुझे कोई भी काम करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती।
तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, जिनका कहना है कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में है, अमरवाड़ा भी बीजेपी के हक में ही अपने रिजल्ट्स देगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली।